नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील की प्रशांत आश्रम शाला में पीरामल फाउंडेशन अधिकारी तथा सीआरसी पान तलवाड़ी के दिनेश भाई नाई ने मुलाकात की, जिसमें आश्रम शाला के अलग अलग विभाग, वर्ग, खंड, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, अनाज रखने का खंड को देखा और आश्रम शाला में बच्चों की पढ़ाई के रूम में भी मुलाकात की। बच्चों को कुछ सवाल पूछे, जिससे बच्चों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला और आश्रम शाला के वातावरण से और उसमें चल रही प्रवृत्ति को देखकर खुश हुए। पीरामल फाउंडेशन अधिकारी भी इस आश्रम शाला में चल रही अलग अलग प्रवृत्ति से प्रभावित हुए। आश्रम शाला में बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से रहते हैं, यह वास्तविक परिस्थिति का निरीक्षण किया। इस मुलाकात के बारे में सीआरसी दिनेश भाई नाई ने क्या कहा, आइए जानते हैं। गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। हमने यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहने की पूर्ति व्यवस्था और बाकी सब जो डिपार्टमेंट होते हैं आश्रम शाला के, उन सब की मुलाकात ली है। बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि हम भूतकाल में गुरु शिष्य प्रणाली देखते थे, उसी तरह का नमूना यहाँ पर हमको देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है, अच्छी गुणवत्ता के साथ, शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ यहाँ पर उपलब्धियाँ सब कुछ मौजूद है। बच्चों के जो कि फंडामेंटल जो जरूरियात होती है वहाँ पर यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमको